चैनल पर आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। दोस्तों, माउंटेन कोचिंग क्लासेस ने यूट्यूब चैनल शुरू किया है। यहाँ पे मोहित सर के भी पहले वे साइंस के बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आ चुके हैं, 27-28। जितेंद्र सर ने भी अभी पीछे डाला वीडियो, तो अच्छे मतलब भी व्यूज आ रहे हैं देखने में। तो उसी के साथ आज से हम हरियाणा जीके की भी शुरुआत कर रहे हैं। तो हरियाणा जीके के अंदर सबसे पहले पढ़ें हम हरियाणा उदय के बारे में। तो हरियाणा के उदय के बारे में जैसे कि हम बात करें, तो प्राचीन से जब भी अंग्रेजों के टाइम से भी हम बात कर रहे हैं हरियाणा की, तो उससे पहले जब ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था ना, तो हरियाणा का जो हिस्सा था उस दौरान ये किसके अंदर था? तो सबसे पहले बात करते हैं हम 1835। 1835 में हरियाणा मध्य प्रदेश का हिस्सा था। हरियाणा किसका हिस्सा था भाई? मध्य प्रदेश का हिस्सा 1835 में। इसके बाद 1835 से 1858 तक, इसी तक यह उत्तर प्रदेश के कानपुर का हिस्सा था। उत्तर प्रदेश के कानपुर का हिस्सा। यहां से फिर क्या हुआ, 1858 में 1857 की क्रांति आ गई बीच में। उस क्रांति के बाद ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी से यहां का राज जाकर के भारत का, और ये ब्रिटिश क्राउन के अंदर चले गए, ब्रिटिश साम्राज्य के अंडर में। तब ब्रिटिश साम्राज्य के अंडर में आने के बाद 1858 ईस्वी में इसे, यानी कि हरियाणा को पंजाब में मिला दिया गया। पंजाब में मिला दिया गया। यहां से किसी कई बार पूछ लेते हैं हरियाणा में से कि हरियाणा को ना पंजाब का हिस्सा कब बनाया गया था, पंजाब में से कब मिलाया गया, 1858 ईस्वी। इसके बाद सन 1907 में सर्वप्रथम सबसे पहले अलग हरियाणा की मां, सबसे पहले अलग हरियाणा की मां, ये अलग हरियाणा की मांग सबसे पहले लाला लाजपत राय वह आसिफ अली ने उठाई, आसिफ अली ने उठाई। लेकिन इस मांग के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया नहीं गया। हाँ, एक बात होगी, जो 1907 आया है ना, इसे हम रिलेट करके कैसे वो देखें हरियाणा से। हरियाणा में 1907 में हरियाणा में पूरे जगह पर कांग्रेस की शाखाएं खुल चुकी थी भाई, कांग्रेस की शाखाएं खुल चुकी। यहां से किसने को रिलेट करें ना, 1907 में सबसे पहले अलग हरियाणा की मांग होती, और अलग हरियाणा की मांग ये उठाई किसने, लाला लाजपत राय और आसिफ अली ने। अब लाला लाजपत राय की बात आई ना, तो लाला लाजपत राय ने अपनी कर्म भूमि किसे माना है, हिसार को। और ये हिसार में 1886 से 1892 के मध्य, और 1888 में इन्होंने, लाला लाजपत राय ने कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में हरियाणा का क्या किया, प्रतिनिधित्व किया। फिर 1892 के लाहौर अधिवेशन में इन्होंने हरियाणा का प्रतिनिधित्व किया। अपनी बात तो चल रही भाई 1907 की। 1907 में हरियाणा में पूरी जगह पर ऐसे पढ़ लें इसको, पूरे हरियाणा के अंदर कांग्रेस की शाखाएं खुल चुकी थी। अब बात कर रहे हैं कांग्रेस की शाखाओं की, बात करें तो कांग्रेस की पहली शाखा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कांग्रेस की पहली शाखा हरियाणा में ये कब हुई, 1886 में अंबाला में। सबसे पहले कांग्रेस की शाखा अंबाला में लाला मुरलीधर के प्रयासों से भाई, लाला मुरलीधर के प्रयासों से। तो ऐसे जगह भाई हरियाणा के अंदर कांग्रेस की पहली शाखा कब खुली थी, तो 1886 में, और कहां पे खुली थी, अंबाला के अंदर, और लाला मुरलीधर के प्रयासों से। और ऐसे क्वेश्चन ये भी आता है, हरियाणा की तरफ से सबसे पहले कांग्रेस के अधिवेशन में हरियाणा का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो हरियाणा का प्रतिनिधित्व किसने किया था, लाला मुरलीधर ने किया था। तो हम अपनी बात पर वापस आते हैं, 1907 में इसी मांग के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया नहीं गया। फिर क्या हुआ, एचएसएससी भी मानती है 1926 में, 1926 में सर्वप्रथम
हरियाणा को पंजाब से अलग करके, पंजाब से अलग करके इसे दिल्ली का हिस्सा, दिल्ली का हिस्सा बनाने की मांगे उठी। तो ये 1936 में उठी ना, कि किसने उठाई थी सबसे पहले? तो पंजाब से अलग करके इसे ना अलग राज्य का दर्जा नहीं दिया जाता, यहां से इसे किसमें मिलाया जा रहा था? दिल्ली। यानी कि इस स्थान से उठा देंगे, यानी कि एक बस्ता ही है पंजाब का, उस बस्ते से निकाल करके कुछ सामान और दूसरे दिल्ली वाले बस्ते में डाल दिया जाए, यानी इसका अलग से राज्य नहीं बना। तो वही बात होगी, भाई पंजाब से निकाल करके चाहे उसे दिल्ली में मिला दो, दिल्ली से ही पंजाब में रहने दो, अलग हरियाणा का तो कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन सर्वप्रथम हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग 1926 में उठी, ये उठी थी अखिल भारतीय, अखिल भारतीय मुस्लिम सम्मेलन में, अखिल भारतीय मुस्लिम सम्मेलन जो दिल्ली के अंदर आयोजित हुआ था, और इसने ये मांग स्वागत समिति के सदस्य, स्वागत समिति के सदस्य पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने उठाई है, मोहम्मद हुसैन। तो बात रही भाई एचएसएससी के अकॉर्डिंग हरियाणा को सर्वप्रथम पंजाब से अलग करने की मांग, और किसका हिस्सा बनाने की मांग उठाई, जिसने दिल्ली का हिस्सा बनाने, और ये कब उठी भाई 1926 में, और ये किसने उठाई, पीरजादा मोहम्मद हुसैन स्वागत समिति के सदस्य। तो ये तीनों के सदस्य चार क्वेश्चन पूछे गए, सर्वप्रथम अलग हरियाणा की मांग 1926 में, किसमें मिलाने की, दिल्ली में, किसने उठाई, पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने, और कौन सी समिति का सदस्य है, ये स्वागत समिति का सदस्य, और अखिल भारतीय मुस्लिम सम्मेलन जो कहां पे आयोजित हुआ था, दिल्ली के अंदर। तो ये बात थी यहां पे भाई सर्वप्रथम मांगे उठाने की। यहां से 1907 से एक क्वेश्चन ये बन सकता है भाई, अलग हरियाणा की मांग लाला लाजपत राय ने कब उठाई थी, यानी आसिफ अली के साथ मिलकर के कब उठाई थी, तो कब उठाई थी 1907 से ही हमने क्वेश्चन पढ़ा भाई, हरियाणा में पूरी जगह पे कांग्रेस की कपल चुकी है साथ में, और कांग्रेस की पहली शाखा 1866। तो बात रही भाई 1926, इसके बाद क्या हुआ, 1926 के बाद 1928 में, 1928 में क्या हुआ, दिल्ली प्रदेश कमेटी, 1928 में दिल्ली प्रदेश कमेटी ने हरियाणा को दिल्ली में, हरियाणा को दिल्ली में शामिल करने की मांग को दोहराया, को दोहराया। तो ये क्वेश्चन वैसे तो इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन कई बार मान लो पूछ भी ले कि दिल्ली प्रदेश कमेटी ने हरियाणा को दिल्ली में शामिल करने की मांग को दोहराया कब था, तो कब दोहराया था भाई 1928 में। अब यहां से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ना, वो ये बनता है कि महात्मा गांधी को, महात्मा गांधी को हरियाणा को पंजाब से अलग करने की जो मांग थी ना, दिल्ली में शामिल करने की मांग, इसका आशीर्वाद कब दे, ये क्वेश्चन बनता है, यानी महात्मा गांधी को इस योजना का आशीर्वाद कब मिला। तो महात्मा गांधी ने वो 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ये लंदन में आयोजित हुआ था, और इसमें महात्मा गांधी ने हरियाणा को दिल्ली का हिस्सा बनाने की मांग को अपना समर्थन दे दिया, या आशीर्वाद दिया की बात है, समर्थन दिया। तो एक बात कर रही गोलमेज सम्मेलन, तो 1931 में तीन गोलमेज सम्मेलन थे, 1931 और 1932, नेशनल लेवल के क्वेश्चन के ऊपर बात करें हम, तो तीन गोलमेज सम्मेलन हुए, इन तीनों के अंदर भाग किसने लिया, तीनों में भाग लेने वाले जो संविधान के पिता में बोले जाते हैं भारतीय संविधान की, कौन भाई, प्रारंभ समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर जी, तो उन्होंने इन तीनों में भाग लिया था। लेकिन ऐसे क्वेश्चन कई बार आया कि महात्मा गांधी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो कौन से में भाग लिया था, द्वितीय। लेकिन अपना तो क्वेश्चन हरियाणा जीके से रिलेटेड है, तो हरियाणा जीके से रिलेटेड है इसी
गोलमेज सम्मेलन के दौरान महात्मा गांधी ने हरियाणा को दिल्ली का हिस्सा बनाने की मांग को अपना समर्थन दिया। इसके बाद 9 दिसंबर 1932 को दीनबंधु गुप्त ने हरियाणा को दिल्ली में शामिल करने की मांग को तीसरी बार दोहराया है। मांग को तीसरी बार है दोहराया। तो ये ना मैंने हर बार है ना, जिसने भी इस मुद्दे को उठाया कि हरियाणा को पंजाब से अलग कर दिया जाए, तो उसका अलग राज्य बनाने के लिए नहीं, उसको किसने यहां से उठा करके दूसरे में किसने शामिल कर दिया जाए, दिल्ली, क्योंकि दिल्ली के पास रहते क्षेत्र हैं हरियाणा और पंजाब दोनों के दोनों। इसलिए इन्होंने सभी ने ना सारे का सबने क्या बताया, इसको पंजाब से निकल करके इसको किसका हिस्सा बना दिया जाए, दिल्ली का। तो यहां तक तो बात क्या हो रही थी भाई, 1932 तक तो हरियाणा को अलग करके दिल्ली का बनाने की बात। फिर क्या हुआ 1948, पहली बार 1948 में, 1948 में मास्टर तारा सिंह ने अपने मुखपत्र का मतलब भाई समाचार पत्र, उसका नाम क्या था, अजीत में उसने क्या कर दिया, अलग पंजाब राज्य से एक कदम आगे एक कदम आगे सिख राज्य की मांग करके गए, मांग की। तो यहां पे क्या हुआ, उस टाइम के ऊपर है ना शिरोमणि अकाली कमेटी थी, अकाली दल की कमेटी, और पैप्सू जो पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन जिसको बोलते हैं, उन दोनों ने है ना मास्टर तारा सिंह की इस बात का क्या उठाया भाई, एक अलग से सिख राज्य यानी सिखों का एक अलग से देश बने, इस मांग का क्या उठाया उन्होंने, मखोल उड़ाया। तो यहां से मास्टर तारा सिंह ने तो इसको उठा दिया, पंजाब अलग राज्य नहीं, इससे भी अलग क्या है, सिख राज्य बने, तो वो दूसरा सिखों का ही क्या हो, देश बन जाए। तो इस मांग का मखोल किसने उड़ाया, शिरोमणि अकाली दल कमेटी ने, और दूसरा कौन था भाई, पेप्सू ने। पेप्सू का मतलब भाई पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, तो बाद में जब उसका जिक्र आएगा तब उसको और अच्छे से हम कर लेंगे। उन्होंने इस मांग का मखोल उठाया। फिर इस टाइम के ऊपर भारत क्या हो चुका था भाई, आजाद हो चुका था 15 अगस्त 1947 को। तो यहां पे है ना जैसे जैसे आजाद होने के बाद राज्यों में अलग अलग से अपने मतलब भाषाई आधार के ऊपर मतभेद होने शुरू हो गए। अब यहां पे कोई हिंदी वाले अपने हरियाणा वाले क्षेत्र है जो अंबाला डिवीजन बोला जाता था उस टाइम के ऊपर, आधुनिक हरियाणा जो है ना वो पहले किस नाम से जानते थे, अंबाला डिवीजन के नाम से। तो अंबाला डिवीजन जो बोला जाता था उसमें तो हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग थे यानी हिंदी को महत्व देने वाले, और पंजाब वाले क्षेत्र में पंजाबी को, तो भाषाई मतभेद तो होना लाजमी था। अब यहां से क्या हुआ, भीम ये भाषाई मतभेद को दूर करने के लिए, भाषाई मतभेद को दूर करने के लिए, भाषाई मतभेद को दूर करने के लिए क्या किया गया, तत्कालीन मुख्यमंत्री, तत्कालीन का अर्थ क्या है यानी उस समय तत्कालीन सीएम कौन था उस टाइम पे, भीमसेन सच्चर। इन्होंने इस भाषाई मतभेद को दूर करने के लिए एक फॉर्मूला निकाला था, और उस फॉर्मूले का नाम क्या दिया इसने, सच्चर फॉर्मूला। उसका नाम क्या दिया, सच्चर फॉर्मूला, जो 1 अक्टूबर 1949 लागू, 1 अक्टूबर 1949 को क्या हो गई लागू, सच्चर फार्मूला। तो भाषाई आधार के ऊपर ये सच्चर फार्मूला बांटा गया ना, तो इसमें दो क्षेत्र में बांट दिए इसे, एक तो क्या बना दिया हिंदी भाषी क्षेत्र, एक का नाम तो हिंदी भाषी क्षेत्र, और दूसरे का पंजाबी क्षेत्र। अब कई बार हमारे क्वेश्चन पूछ लेते हैं हिंदी भाषी क्षेत्र में कौन कौन से थे भाई, इसमें अंबाला, नारायणगढ़,
जींद, नरवाना, हिसार, करनाल, रोहतक और गुरुग्राम। ये वाला हिस्सा तो हिंदी भाषी क्षेत्र में, और जो इनसे अलग बच गया वो किसमें बच गया? से क्षेत्र, वो किसमें बच गया? पंजाब। लेकिन इस फॉर्मूले का एक मुख्य इसकी असफलता का कारण क्या हुआ भाई? ये फॉर्मूला क्या हुआ था? असफल हुआ था भाई। और ये असफल हुआ इसका कारण था, हिंदी भाषी क्षेत्र में तो पहली भाषा तो हिंदी होगी, लेकिन द्वितीय भाषा के रूप में पंजाबी भाषा अनिवार्य है। और ऐसे ही जो पंजाबी भाषी क्षेत्र था उसमें दूसरी भाषा के रूप में हिंदी को अनिवार्य, हिंदी को अनिवार्य। अब यहां से बात क्या हुई भाई? अब ऐसा बंद होना ही था। अगला अगर मतलब एक बात बताओ, भाषा ही मतलब भेद हो रहा है भाई। जैसे कि मान लो किसी भी गांव से यहाँ पे चुटकला याद आ गया। यहाँ पे क्या होता है, एक व्यक्ति है गांव का कोई, और उसने मतलब रास्ते के अंदर अपने मतलब भैंसों को बांधने के लिए जाके खुट्टर गाड़ रखा है। तो अब आने जाने वालों को परेशानी होगी, तो पांच चार जो सारे आदमी हो गए भाई गांव के, अब भाई राम भाई स्कूटर फाट लेते समझाया भाई उसने। तो लास्ट में भाई वो बेकार है भाई, ठीक है भाई वो वहां भरी गया। आखिर में उठते आने नोला यो खुट्टा तो आड़े रहेगा, तमने और बात कर लेंगे वह बताओ। अब खुट्टा आड़े रहेगा, खुट्टा तो रहेगा ना भाई, यो अनिवार्यता। अब ये अगर अनिवार्यता रहेगी भाई, पंजाबी भाषा अनिवार्य कर दी इसने, तो फिर इसने ऐसा फल होना लाजमी था भाई। तो यहां से फार्मूला क्या हो गया? ऐसा। अब इस भाषा का मतभेद की है ना, यहां यहां समस्या नहीं थी हरियाणा और पंजाब में, देश के जो अन्य राज्य थे ना उनमें भी ये समस्या उभर करके सामने आई। अब ये समस्या उभर करके सामने आई तो भारत सरकार ने क्या किया भाई भाषा मतभेद को दूर करने के लिए? तो ये सच्चा जो फार्मूला है ना, ये कब लागू हुआ था? 1 अक्टूबर 1949, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इसके बाद भाषाई आधार के मतभेदों को दूर करने के लिए भारत सरकार ने, भारत सरकार ने क्या किया भाई? 29 दिसंबर 1953 को भारत सरकार ने 29 दिसंबर 1953 को भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन, राज्यों के पुनर्गठन के लिए एक सीमा आयोग का गठन किया है। तो ये सीमा आयोग का गठन भारत सरकार ने भाषा आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए किया 29 दिसंबर 1953। और ये जो सीमा आयोग का गठन है ना, ये सैयद फजल अली की अध्यक्षता में, और इस आयोग का नाम था सीमा आयोग का नाम भाई। अब ये जिस भी कोई भी आयोग बनता था ना पहले, या आप लगा लो कोई भी समिति बनती है, कुछ भी बनता है, तो उसका जो मुख्य होता है उसी के नाम से उसको बोल देते हैं। तो इसका नाम क्या था? फजल अली आयोग। तो ऐसे कई बार कैसे ना, राज्यों के पुनर्गठन के लिए ना फजल अली आयोग का गठन कब किया गया था? भारत सरकार के द्वारा 29 दिसंबर 1953। अब यहां से एक क्वेश्चन बनता है भाई, ये जो सीमा आयोग सर्वप्रथम हरियाणा में 1955 में आया है। अब हरियाणा में उस टाइम, अब बात आपके पास नहीं आ रही, तो 1955 में तो हरियाणा था ही नहीं, तो पंजाब का हिस्सा था, लेकिन ये भाग है ना 1955 में। जब ये सर्वप्रथम हरियाणा में क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये हरियाणा के रोहतक में आया था भाई 1955 में। तो ऐसे किसान आ जाए ना, सीमा आयोग सर्वप्रथम हरियाणा में कब आया था? तो 1955 में आया था। कहां पे आया था? रोहतक में। इसने क्या किया, कोई खास रिपोर्ट अपने हरियाणा पंजाब के ऊपर इस आयोग ने दी नहीं भाई, कि मतलब यहां पे कोई जरूरत है इसको भाषाई आधार के ऊपर इनको अलग राज्य बनाने की जरूरत है। तो इसने क्या कर दिया, जो 70 फार्मूला था ना उसका मोडिफिकेशन कर दिया। मोडिफिकेशन का मतलब क्या हुआ भाई, कि सरकार को इनके ऊपर जो मतलब है, जो भी दिक्कत दे रही भाई हिंदी भाषी क्षेत्र में अलग से कमेटियां बना दी गई,
और पंजाबी भाषी क्षेत्र में अलग से कमेटियां बना दी। तो क्या किया गया यहाँ पर, उन कमेटियों को है ना अधिकार दे दिया कि आप है ना इनके ऊपर एक कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो कंट्रोल कर सकते हैं, तो इन्होंने क्या किया, भारत सरकार ने इन राज्यों के अंदर जैसे पंजाब के अंदर कौन सा फार्मूला लागू कर दिया भाई, इस आयोग की रिपोर्ट के अनुसार उसको बोलते हैं क्षेत्रीय फार्मूला। तो क्षेत्रीय फार्मूला 24 जुलाई 1956 को, 24 जुलाई 1956 को पंजाब सरकार ने कौन सा फार्मूला लागू कर दिया भाई, क्षेत्रीय फार्मूला 24 जुलाई 1956 लागू किया। तो ये सिर्फ मोटिफिकेशन था भाई, किसका, सच्चर फार्मूले का। अब ये समितियां तो बना दी भाई इसने आयोग ने, लेकिन इन समितियों को ना तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे कौन थे, प्रताप सिंह कैरो ने, और प्रताप सिंह कैरो ने ना उन समितियों के जो अधिकार क्षेत्र के जो अधिकार दिए गए थे उनको क्या कर दिया भाई, सीमित कर दिया। यानी कि ऐसे समझ लो आप कि उनको है ना कुछ भी करने का पूरी तरह से छूट नहीं। तो अब छूट नहीं दी तो सीधी सी बात है भाई असफल होना था। लेकिन ये कैसे यहाँ पे ऐसे बन जाता है, ये जो क्षेत्रीय फार्मूला लागू किया गया ना, ये भारतीय संविधान के, भारतीय संविधान के 7वें संशोधन 1956 के तहत हरियाणा भाषा के आधार पर तीसरा राज्य बना, भाषा आधार पर तीसरा राज्य। अब बात करने भाषा आधार पर अगर भारत का पहला राज्य पूछ ले तो आंध्र प्रदेश बना था भाई 1956 में। तो ये यहाँ पे सातवां संविधान कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब आपके ध्यान में आ रहा होगा कि हरियाणा तो अलग राज्य भाई, 18वें संविधान संशोधन 1966 के तहत 17वां राज्य बना था, वो तो अलग से राज्य बन गया था। ये क्षेत्रीय फार्मूले के अकॉर्डिंग भाषा आधार पर जो हरियाणा के हिस्से में आए ना जो क्षेत्र, उनमें तो हिंदी भाषा को प्रथम भाषा और पंजाबी को भी बैठाया जाना है, यानी सेम ही सिस्टम रखा है यहाँ पे। और ये भी क्या रहा भाई, क्षेत्रीय फार्मूला भी असफल रहा है, क्षेत्रीय फार्मूला क्या रहा असफल। तो इनमें कंफ्यूज मत होना भाई, जो क्षेत्रीय फार्मूले के अकॉर्डिंग पूछे ना तो सातवां संविधान संशोधन था 1956 के तहत, जो हरियाणा भाषा के आधार पर कौन सा राज्य बना था, तीसरा राज्य, ये भी क्या रहा भाई असफल रहा। तो यहां से क्वेश्चन को ध्यान में रखना भाई, एक तो 29 दिसंबर 1953 को भारत सरकार ने फजल अली आयोग की क्या की थी भाई, स्थापना की। फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी, 1956 में, अपनी रिपोर्ट 1956 में सौंपी थी भाई, 56 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। उसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है ना 24 जुलाई 1956 को पंजाब सरकार ने यहां पे पंजाब में क्षेत्रीय फार्मूला क्या कर दिया था भाई, लागू कर दिया। तो इस कौन सा संविधान संशोधन था, 7वां 1956 के तहत, और हरियाणा भाषा आधार पर कौन सा राज्य बना था, तीसरा राज्य। लेकिन ये फार्मूला क्या रहा भाई, असफल था। इसकी असफलता का कारण क्या था, तत्कालीन सीएम जो पंजाब के थे भीमसेन ना सॉरी क्या नाम प्रताप सिंह कैरो जी, प्रताप सिंह कैरो, तो उनके कारण ये क्या रहा भाई, असफल। तो यहां तक हो गया भाई। अब क्या हुआ 1960 में मास्टर तारा सिंह ने, 1960 में मास्टर तारा सिंह ने पंजाब को अलग राज्य बनाने के लिए आंदोलन किया गया, पंजाब को अलग से राज्य बनाने के लिए आंदोलन सबसे पहले किसने किया था भाई, सर्वप्रथम मास्टर तारा सिंह। बात रही मास्टर तारा सिंह ने ना 1948 में पहली मांग उठा चुका था, लेकिन वहां तो उसने क्या कर दिया था, एक अलग से सिख राज्य। अब यहां से वो पंजाब की कमेटियां थी या राजनीतिक पार्टियां थी, उन्होंने इसका क्या नहीं दिया, साथ नहीं दिया, इसलिए आंदोलन में क्या रहा भाई, असफल। यहां से फिर बात क्या थी भाई, सन 1965 में संत फतेह सिंह ने, संत फतेह सिंह ने अलग पंजाब के लिए, अलग पंजाब राज्य के लिए व्रत रखा है। लेकिन इस संत फतेह सिंह ने पंजाब राज्य के लिए अलग से व्रत रखा ना 1965 में,
तो यहां पे क्या हुआ, भारत और पाकिस्तान के मध्य क्या हो गया, युद्ध हो गया 1965 में। तो इसने है ना देश को सर्वोपरि रखते हुए अपने जो ये वर्क था ना इसको क्या कर दिया भाई, डिले कर दिया, यानी आमरण अनशन रखा था इसने, जब तक ना बनू तब तक ये मतलब कोई भी अन्न खाएगा नहीं, तो इसको क्या कर दिया था, डिले कर दिया, आगे कर दिया। फिर वो युद्ध खत्म होने के बाद संत फतेह सिंह ने 10 सितंबर 1965 को जलकर मरने की ऐलान किया गया। 10 सितंबर 1965 को इसने क्या किया, जलकर मरने का ऐलान कर दिया। किसके लिए भाई, अलग से पंजाब राज्य के लिए। तब भारत सरकार ने लोगों के दबाव में आकर के क्या किया भाई, भारत सरकार ने लोगों के दबाव में आकर के 23 सितंबर 1965 को भारत सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा, एक ही बात है, भारत सरकार द्वारा तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष हुकम सिंह, तो तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष कौन था भाई, हुकम सिंह की अध्यक्षता में किसका गठन किया भाई, हुकम सिंह कमेटी का, हुकम सिंह कमेटी का। तो हुकम सिंह कमेटी का जो गठन है ना वो किसकी अध्यक्षता में, तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष हुकम सिंह की अध्यक्षता में। और इसको क्या काम सौंपा गया कि आप है ना मतलब पूरा सर्वे कीजिए कि कहां पे क्या दिक्कतें आ रही है, कौन से क्षेत्रों को हिंदी भाषा में लिया जाए, कौन से क्षेत्रों को पंजाबी भाषा में लिया जाए। तो इसने क्या किया, 23 सितंबर 1965 को तो इसका गठन हो गया। फिर हुकम सिंह कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसी की अनुशंसा पे इस सरदार हुकम सिंह कमेटी की अनुशंसा पे, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है भाई, सरदार हुकम सिंह कमेटी की अनुशंसा पे, अनुशंसा पर 23 अप्रैल 1966 को जस्टिस जेसी शाह, क्या नाम है भाई, जस्टिस जेसी शाह की अध्यक्षता में एक सीमा आयोग का गठन किया, सीमा आयोग का गठन। और इस सीमा आयोग का जो नाम था ना वो क्या रखा गया भाई, जेसी शाह आयोग, नाम रखेगा जेसी शाह आयोग। तो जेसी शाह आयोग है ना ये हरियाणा पंजाब को अलग राज्य बनाने के लिए बनाया गया था। किस कमेटी की अनुशंसा में, बहुत बार ये इंपोर्टेंट है भाई, ये सरदार हुकम सिंह कमेटी की अनुशंसा में। तो सरदार हुकम सिंह कमेटी का गठन कब हुआ था, 23 सितंबर 1965 को, जो हमने पीछे किया। तो इन सन को याद रखना भाई, बहुत बार यहां से क्वेश्चन कंफर्म बनता है। 23 अप्रैल 1966 को जस्टिस जेसी शाह की अध्यक्षता में क्या हुआ, सीमा आयोग का गठन। जस्टिस जेसी शाह, जयंतीलाल छोटेलाल शाह, इनका संबंध कहां से है, गुजरात से है भाई, और पूर्व में मुख्य न्यायाधीश सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के। तो अध्यक्षता में है ना, और इसमें सदस्य कितने थे भाई, 3 सदस्य, ये बहुत बार पूछ लेते हैं। तो 3 सदस्य कौन कौन है, एक तो खुद जेसी शाह हो गया भाई, जेसी शाह, दूसरा एस एल दत्त, और तीसरा जो था वो एम एम फिलिप, एम एम फिलिप। तो इसमें है ना जेसी शाह आयोग की जो सीमा आयोग था ना इसके अंदर कितने सदस्य थे, 3, अध्यक्षता किसकी थी, जेसी शाह की, अन्य सदस्य कौन थे, एस एल दत्त और एम एम फिलिप। अब जेसी शाह आयोग ने पूरे मतलब सर्वे करके अपनी पहली रिपोर्ट 31 मई 1966 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 31 मई 1966 को रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हरियाणा के हिस्से में जगह दी भाई इसने अंबाला तहसील, अंबाला जिले की अंबाला तहसील, नारायणगढ़,
अंबाला तहसील, नारायणगढ़, रोहतक, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, ये जिले इसके अंदर स्थान शामिल थे। महेंद्रगढ़ और उस टाइम के ऊपर संगरूर जो पंजाब में है ना अभी, उस संगरूर जिले की नरवाना तहसील व जी तहसील कौन कौन सी भाई? हरियाणा के समय 31 मई 1966 को अपने पोस्ट मिली। हरियाणा के हिस्से में अंबाला तहसील, नारायणगढ़, रोहतक, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, संगरूर जिले की नरवाना तहसील और जींद तहसील। इसे जींद तहसील के बाद यहां पे एक बात और ध्यान रखना है, इसी रिपोर्ट में 31 मई 1966 वाले रिपोर्ट में खरड़ तहसील, और ये खरड़ तहसील है ना किसके सहित थी? चंडीगढ़ सहित, चंडीगढ़ सहित ये क्षेत्र क्या है भाई? इसके अंदर शामिल थे किसमें? अपनी रिपोर्ट के अंदर अगर हरियाणा राज्य बनेगा ना तो उनके अंदर ये हिस्से क्या होंगे? शामिल होंगे। लेकिन यहां पे क्या हुआ भाई, जो इस आयोग का एक सदस्य था ना उसने इसको भाई खरड़ तहसील और चंडीगढ़ इन दोनों को हरियाणा का हिस्सा, हरियाणा का हिस्सा स्वीकार नहीं किया। और ये हिस्सा इन दोनों को आयोग के किस सदस्य ने नहीं किया भाई? एस एल दत्त ने इसको किसको स्वीकार नहीं किया? खरड़ तहसील और चंडीगढ़। तो यहां पे है ना, अब चंडीगढ़ को इसमें शामिल नहीं किया गया तो फिर क्या हुआ? इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसको क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। और जींद को है ना फिर क्या बना दिया गया? जब बाद में जिला बना दिया, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो दोनों को हरियाणा का हिस्सा स्वीकार किसने नहीं किया था? या ऐसे जैसे आता ना, चंडीगढ़ को हरियाणा का हिस्सा बनाने का विरोध किसने किया? तो वो सदस्य कौन था भाई? एस एल दत्त। अब आयोग के अगर तीनों सदस्य क्या नाम भाई पूर्ण रूप से मतलब सहमत ना हो किसी भी बात के ऊपर, तो वो मैटर है ना वो पूरे सिरे नहीं चढ़ता है। इसलिए ना चंडीगढ़ को पूर्ण रूप से हरियाणा का हिस्सा नहीं बनाया गया। किसके कारण नहीं हुआ? एस एल दत्त के कारण। अब यहां से क्या हुआ, सीमा आयोग ने तो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, तो फिर 18 सितंबर 1966 को भारत सरकार ने लोकसभा के अंदर राज्य पुनर्गठन, पंजाब पुनर्गठन विधेयक प्रस्तुत किया गया। और वो किसने किया? गुलजारीलाल नंदा द्वारा, गुलजारीलाल नंदा द्वारा लोकसभा में लोकसभा में 18 सितंबर 1966 को पंजाब पुनर्गठन विधेयक, बहुत इंपॉर्टेंट कैसे बनता है भाई, क्योंकि पंजाब पुनर्गठन विधेयक जो था वो प्रस्तुत किसके द्वारा किया गया था? गुलजारीलाल नंदा के द्वारा। कहां पे? लोकसभा में। और पंजाब पुनर्गठन विधेयक ये 18 सितंबर 1966 को लोकसभा में क्या किया गया था भाई? पेश किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? गुलजारीलाल नंदा के द्वारा। इसी पंजाब पुनर्गठन विधेयक के तहत में हरियाणा, पंजाब पुनर्गठन विधेयक के तहत हरियाणा भारत का 18वीं संविधान संशोधन, 18वीं संविधान संशोधन, 18वां संविधान संशोधन 1966 के तहत 17वां राज्य बना गया। 18वीं संविधान संशोधन के तहत कौन सा राज्य बना था? 17वां राज्य बना। अब यहां पे बात आती है भाई, ये हरियाणा भारत का 18वीं संविधान संशोधन के तहत 1966 के तहत 17वां क्या बन गया भाई? राज्य बन गया। अब 17वां राज्य बन गया तो यहां पे क्या हुआ, हरियाणा को कितना हिस्सा मिला भाई? पंजाब का 35% हिस्सा। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, जब हरियाणा अलग से भारत का राज्य बना ना उसे कितना हिस्सा मिला, तो कितना हिस्सा मिला वैसे भाई? 35%। वैसे कई जगह पे ना इसको इतना भी लिख रखा है भाई, अगर एग्जाम देखे लो 35.88%, लेकिन लगभग एनआईएससी ने जितनी बार भी इस क्वेश्चन को पूछा है ना तो उसमें आंसर इतने में आता है एग्जाम में,
तो आंसर कितना होगा 35%। अब हरियाणा भारत का 18वें संविधान संशोधन 1966 के तहत क्या कौन सा राज्य बन गया भाई, 17वां राज्य बन गया। और हरियाणा के हिस्से में शुरुआत में कितने जिले बने भाई, 7 जिले, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये 18वां 17वां राज्य 1 नवंबर 1966, तो बात करें हरियाणा दिवस की, तो हरियाणा दिवस कब मनाया जाता है, 1 नवंबर, क्योंकि हरियाणा राज्य नया गठन हुआ था 1 नवंबर। तो जिले कितने बने इसमें, 7। इस 7 जिले कौन कौन से थे, हिसार, रोहतक, अंबाला, करनाल, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ व जींद। ये 7 जिले इसके अंदर बने, कौन कौन से भाई, हिसार, रोहतक, अंबाला, करनाल, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ और जींद। और गठन के समय है ना, हिसार क्या था, सबसे बड़ा जिला था, और सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल कितना था, 13,891 वर्ग किलोमीटर। और सबसे छोटा जिला कौन सा था, जींद, सबसे छोटा जिला गठन के समय, सबसे छोटा जिला गठन के समय कौन सा था, जींद था, जिसका क्षेत्रफल कितना था, 2712 वर्ग किलोमीटर। ये बात किसकी कर रहे हैं भाई, हम उस दौरान की कर रहे हैं जब हरियाणा राज्य बना था 1 नवंबर 1966। उस दौरान सबसे बड़ा जिला कौन सा था, हिसार, 13,891। और वर्तमान में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सिरसा, 4,273 वर्ग किलोमीटर। और उस टाइम के ऊपर जींद सबसे छोटा था, 2712 वर्ग किलोमीटर, लेकिन वर्तमान में सबसे छोटा जिला कौन सा है, फरीदाबाद, 741 वर्ग किलोमीटर। तो ये थी भाई बात। अब इसके बाद हरियाणा का जो गठन है ना नए राज्य के रूप में, वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। हरियाणा का गठन भारतीय संविधान के, भारतीय संविधान के अनुच्छेद यानी आर्टिकल, अनुच्छेद 135(3) के तहत है। और एक बात, अनुच्छेद 21 के तहत, अनुच्छेद 21 के तहत चंडीगढ़ हाईकोर्ट, चंडीगढ़ हाईकोर्ट हरियाणा पंजाब की सांझी हाईकोर्ट हो गई भाई, हरियाणा पंजाब की क्या हो गई भाई, सांझी हाईकोर्ट, यानी उच्च न्यायालय में। तो हरियाणा पंजाब का उच्च न्यायालय कहां पे है, चंडीगढ़ में। और ये कौन से अनुच्छेद के तहत था, अनुच्छेद 21 के तहत। तो हरियाणा का गठन पूछे तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 135 के तहत हुआ। हम बात करें भाई, यहां से मैंने आपको आज हरियाणा के मुद्दे के बारे में बताया, इसके आगे अपने टॉपिक वाइज ही चलेंगे भाई, उसके अगले वीडियो में मैं इसे आगे का पार्ट आपको बताऊंगा। तो अगर मतलब यहां से है ना क्वेश्चन हरियाणा मुद्दे से 3 से 4 क्वेश्चन कन्फर्म बनते हैं भाई, हर एक पेपर में, पीछे के एचएसएससी के पेपर उठा के देख लेना आप, उनमें आपको पक्का मिल जाएंगे इनमें से उधर। और इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि सारे के सारे ना इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है उसके अकॉर्डिंग ही मैंने आपको ये टॉपिक करवाया। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अगर वीडियो अच्छी ना लगे, मतलब कोई भी दिक्कत है वीडियो के अंदर, तो कृपया करके कमेंट करके हमें उसके अंदर बताइए, कि ज्यादा से ज्यादा को हमको पता चले कि कहां पे कमी रह रही है, तो जहां पे भी कमी होगी उसको सुधारने की आगे कोशिश करेंगे। बस इतना ही है आज के लिए, धन्यवाद, नमस्कार।